छोटी मुंह में से ब्लेड निकालो भैया, पतंगों को देख के दिल खुश हो गया ईमानदारी से, सही बताऊं तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल है आप सभी के? तो कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहले आप सब अपने हाल चाल जरूर बता देना। अब भाई हमारे हाल तो ऐसे ही, और भाई बड़े दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बड़े दिनों बाद ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, तो इस वजह से भाई मैं ब्लॉगिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। पर अब अपन ब्लॉगिंग में ध्यान देंगे अच्छे से। तो भाई बड़े दिनों बाद अपन ब्लॉग बना रहे हैं, बड़े दिनों बाद अपना पहला ब्लॉग है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई आज है 11 अगस्त और आज मैं जा रहा हूँ लाल कुएं पतंगे लेने के लिए, क्योंकि भाई 15 अगस्त में रह चुके हैं सिर्फ चार दिन। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं लाल कुएं और लेके आते हैं अपने लिए पतंग। बाकी ये रहे हमारे टाइगर भाई, आप भी देख रहे होंगे एक महीने बाद टाइगर की शक्ल। और ये रहे हमारे किशु भाई, इसके बाल देखो भाई कितने लंबे हो चुके हैं अभी भाई। इसके और लंबे लंबे बाल करेंगे हम, फिर इसकी हम चोटी बांधेंगे शाहरुख खान वाली। आ जा भाई किशु, अभी तेरी मम्मी नहा रही है और बड़े भैया को सोना है, तो तेरी मम्मी नहा के जाएंगी, फिर अपन जाएंगे पतंग लेने के लिए। ठीक है, तो ये तेरे को संभालने के लिए कोई नहीं है। ले टाइगर ले, गर्वी आओ ना। ओए गिर जाएगा, 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 ओए। भाई बहुत ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम पे गाना, जिन जिन घरों में बच्चे हैं ना ये गाना सुनते हैं। कह रहा नानी हट जाओ, चिल्ला रहा हूँ मैं, खोल ले तो। करो गुद्दी लाल, करो गुद्दी लाल। एक तो भाई मुझे इसको समझ में नहीं आता भाई, 11 महीने का बच्चा है ना भाई, खड़ा होकर चलने लग जाता है। और भाई ये है ना अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, सारा लेके खड़ा होता है ये। ओ करो तेरे गुद्दी लाल, करो तेरे गुद्दी लाल। ऐसे तो भाई मैं यूं उठा के कहीं भी कर देता हूँ, देख ना कहीं भी घुमाया तो ऐसे उठा के। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, किशु क्या कह रहा, खच रहे हैं तभी तो बच रहे हैं, फुकरे होते तो कहीं ठुकरे होते। चलो भाई सारे काम हो चुके हैं खत्म, अब चलते हैं पतंग लेने के लिए। अब भाई इतने सारे काम थे क्योंकि भाई याशिका की फ्रेंड आ रही है मिलने के लिए, तो इसलिए बहुत सारे काम थे, अब चलते हैं पतंग लेने के लिए। और भाई मौसम को देख के, जो मौसम के मेरे को लक्षण लग रहे हैं ना भाई, ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त वाला दिन है ना बारिश हो सकती है, पर भाई दुआ यही करेंगे कि बारिश ना ही हो। चलो भाई चावड़ी तो पहुंच गए अपन, लाइन तारी से भाई पतंगे ले लेके जा रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। आए आई लव यू वाली पतंग उड़ाएंगे भाई से। अपनी गर्लफ्रेंड की छत पे सीधा कटवाएंगे, गर्लफ्रेंड की छत पे कटवाएंगे और फिर बाद में अपना कटवाएंगे। वाओ दी। और भाई यार मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप आ रहे हो तो भाई 10-12 दुकानें अच्छे से देखो, जिसके पास से आपको अच्छी पतंगे मिल रही आप उससे लो। ये नहीं कि भाई यार यूट्यूब पर वीडियो देख के आ रहे हो कि भाई वो तो 10 रुपये में अच्छी पतंगे दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, क्योंकि भाई वो वीडियो के अंदर है ना अच्छी पतंगे दिखाते हैं, जब आप जाओगे तो फिर आपको पतंग ऐसी दिखाएंगे। तो इससे बड़े भाई टाइम वेस्ट मत करो, पतंग की मार्केट में आओ, या तो जाफराबाद या फिर लाल कुएं, और जो आपको पतंग अच्छी लग रही है आप ले सकते हो। अब भाई एक ही दिन तो आपको पतंग उड़ानी है, तो आप 8-9-10 रुपए तक की पतंग ले सकते हो, यहाँ से आपको अच्छी पतंग मिल जाएगी। तुम्हारे भाई को चाहिए भोखाल पतंग, भोखाल जिसे कहते हैं ना, भोखाल मचा दे, चील कट पतंग चाहिए मेरे को, पर वो यहाँ पे मिल नहीं रही है, थोड़ा आगे तक चलते हैं फिर देखते हैं। बाकी भाई सामने तिरंगा देखना कितना बड़ा लगा रखा है। ये ना पैकेटों के अंदर ज़्यादा बेच रहे हैं पतंगे, पर भाई पैकेटों के बीच में ना खराब पतंगे भी होती है, तो इसलिए भाई थोड़ा देख के लेना अगर यहाँ से पैकेटों में पतंग ले रहे हो आप तो। ये देखो भाई कितना बड़ा तिरंगा लगा रखा है, चील काट उसको छोड़ दो, ऊपर वाली फड़ गई भी करी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम तो ऐसे देख रहे हैं भाई। जो पतंग मेरे को पसंद आ रही है ना भाई, उनके रेट इतने ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद चेक करते हैं एक बार, आओ चलो भाई शॉप पर देखते हैं एक बार। हो गया रायल भाई फ्री, बॉडी छोटी बना लिया मंजूरी में कोई ऐसा साइज होती है, छोटा नहीं हो जाएगा यार राहुल भाई, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 250 रुपये का खुली मिल जाएगी। भाई हमारे जानने वाले भैया की दुकान हमें मिल गई, तो उन्होंने 15 वाली पतंग हमें 12 रुपये में दे दी, तो 1200 रुपये सैकड़ा हमें पतंग मिली है, तो सही है भाई और क्या चाहिए यार। और एकदम चील काट जो पतंग मेरे को चाहिए थी वही पतंग मेरे को मिली है। बाकी भाई देखो ये है शॉप नंबर, ठीक है ना, ये पुलिस चौक है, पुलिस चौकी से बिल्कुल इधर की तरफ है ना आपको ये मिल जाएगा 1862 लाल कुआ, ठीक है ना। इस शॉप पे आके याले भाई की शक्ल देख लो, इनसे मेरा नाम ले देना प्रफुल, और आप है ना याली पतंग ले लेना,
ओ माय गॉड, वैसे पतंग तो सारी प्लेन है, कोई भी ऐसी नहीं हो रही, उबड़ खाबड़ देख रहे हो, मतलब फिनिशिंग देखो भाई पतंग की, क्या जोरों की फिनिशिंग है यार, एक नंबर, दिल खुश हो गया। और हमने भाई एक ब्लैक निकलवाई है, 50 ब्लैक निकलवाई है और 50 हमने याले निकलवाई है। और देखो भाई इनके ठड्डे ना सिके हुए हैं, देखो ये सिके हुए ठड्डे हैं, अगर पेंट होता ना तो भाई ये हाथ पे नहीं आता, ये सिके हुए हैं इसलिए हाथ पे आ गया हमारे ब्लैक ब्लैक, तो जेन्युइन है भाई। पतंगों को देख के दिल खुश हो गया, ईमानदारी से सही बताऊँ तो जैसी पतंगे मैंने सोच रहा था ना भाई वैसी ही मिली है, ऊपर से इनके तिल्ले जो है ना पतले हैं और यहाँ आके हार्ड है तिल्ले, जिससे भाई पतंग बहुत ज्यादा भारी रहती है। भाई वाली के लिए ना बारिश वानी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम घर कैसे जाएंगे गाइस। चलो भाई चरखरी भरवा लेते अपनी, वैसे तो घुस भी नहीं रहा इसके अंदर, तो पूरी उंगली घुसानी पड़ रही, तीन घुसाई है। चलो भाई खत्म होने वाली है, चाइना मंजा प्रमोट मत करो, चाइना मंजा बिल्कुल ब्रांड है यार भाई, नहीं मिल जाएगा इसे पन्नी उड़ लो ना यार एक पन्नी। चलो भाई अपनी शॉपिंग हो चुकी है, बढ़िया एकदम नन्हे टच चील कट पतंगे ले लिए हमने ब्रो, ये भाई भाई शॉप नंबर मैंने आपको बता दिया ठीक है ना, आ जाना इस पर चौकी के बिल्कुल सामने, झंडा लैंडमार्क है भाई, लैंडमार्क है ठीक है ये। तो भाई तुम्हारा मैंने लिया स्टार टेप, गिफ्ट है मेरे को ये, हंसते हो दिखा दो भाई, गोटी मुंह में से ब्लेड निकालो, रखते नहीं यार मुंह में ब्लेड नहीं वाला, रखते नहीं यार। ठीक है राहुल भाई मिलते हैं फिर, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है थैंक यू सो मच फॉर यू गिविंग मी दिस प्राइस। चलो भाई घर पहुंच चुके हैं, जी नमस्ते जी नमस्ते, नहीं पतंग थोड़ी है ये लहंगा, ये हाथ उड़ाएंगे मेरे, और जीजू क्या हैं करती कम है भाई, ये थोड़ा दबदबा अच्छा लगता है ना पतंगे फैली है, भाई भगवान ने तो सुनी नहीं इसकी, तो ये अपने आप ही है ना कीशू को कुछ ना कुछ बना देगी है, अभी देखो ड्रेस बना दी कीशू को इसने, वाह भाई वाह वो लड़की लग रहा है तो मेरे कीशू, पतंग उड़ाओ पतंग उड़ाओ कीशू भाई पतंग उड़ाओ। तो भाई अभी टाइम हो रहा 12:32 और अभी आ चुका हूँ मैं राइड पे से घर, क्योंकि पतंगे लेके जब मैं आया था ना तो पतंगे रख के सीधे चले गया था मैं राइड पे, क्योंकि भाई काम करना भी जरूरी है। बाकी फिलहाल अभी आपको मैं अपनी पुरानी पतंगे और नई पतंगे जो मैं लेके आया हूँ प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूं, बाकी कल एक मंजे की चरखरी हमारी और आ जाएगी जो कि मैंने मंगवाया बढ़िया खतरनाक काटम वाला मंजा, ठीक है तो चलो आपको दिखाते हैं जल्दी से। अपनी 50 पतंगे अलग जो हम नए लेके आए थे, ठीक है इसमें ये डिजाइन है आप देख सकते हो, कितनी प्लेन पतंगे देख रहे हो ना, और ऐसी उड़ेंगे भाई मस्त, कोई चील काट फरमे में है ये, ठीक है ना, एक डिज़ाइन ये है इसके अंदर, और बाकी ब्लू मिल गई थी कुछ और कुछ ब्लैक मिल गई थी, मतलब सारी ब्लैक लेके आ रहा था पर भाई सारी ब्लैक ख़त्म हो चुकी थी, तो देख सकते हो ये है हमारी दोनों पैकेटों में वही पतंगें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना फैला देते ताकि आपको थोड़ा अच्छा सा लगे, ब्लू ब्लू सारी पतंगें फैला दो। और ये भाई मेरी लास्ट ईयर की पतंगे हैं, और इसके अंदर कुछ पतंगे ऐसी हैं जो भाई 5-5, 6-6 साल पुरानी पतंगे हैं, जो पतंगे को दिखा रहे हैं ना साइड पैक मैंने कन्ने रेडी करके रख रखे थे, ये मेरी पिछले साल की पतंगे हैं, ये पतंग देखो भाई 5 साल पुरानी पतंगे हैं, कितनी 5 साल पुरानी, पर अगर मैंने उड़ाई नहीं है ये, और डिज़ाइन देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका, मैंने वो गिफ्ट दी थी मेरे दोस्त के पापा ने, बाकी ये कुछ पतंगे हैं जो छत पर आगे गिर चुकी थी, तो टोटल पतंगे हमारे पास जो है वो है 150 का एक्स्ट्रा गाइस, सही है बड़े भैया इतनी पतंगे हैं, जी भर के उड़ाएंगे गाइस, जी भर के 14 तारीख को उड़ाएंगे 15 तारीख को उड़ाएंगे, जी भर के उड़ाएंगे, बस दो ये करते हैं कि बारिश ना पड़े, ताकि आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप कितनी पतंगे लेके आए हो। अब फिलहाल अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड, ठीक है ना, होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, ब्लॉग अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल कर देना, सब्सक्राइब साइड में लाइक करके बटन ना सब ठोक दो, उसे लाल पीला जो भी करना वो कर दो, बस सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं बाय गुड नाइट, लव यू टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी बैठ के मैं पतंगों को सेट करूंगा टेपिंग करूंगा करने वाला हूं, चलो मिलते हैं बाय।